भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या की तर्ज पर खरगोन के लेपा में नर्मदा नदी के तट पर राम मंदिर का निर्माण कराया गया है। अयोध्या में 22 जनवरी को होने वाले प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के खरगोन जिले के लेपा में भी प्राण प्रतिष्ठा के साथ भव्य राम मंदिर का उद्घाटन होने जा रहा है। प्राण प्रतिष्ठा उद्घाटन की पूर्व राम मंदिर में पहुंचने वाले श्रद्धालुओं के लिए व्यापक तैयारियां की जा रही है। मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा से पूर्व एक सप्ताह से राम कथा का आयोजन भी चल रहा है, जिसमें श्रद्धालु बढ़ चढ़कर राम कथा में पहुंच रहे हैं। मंदिर समिति अध्यक्ष योगेश बामने ने बताया कि अयोध्या में जब राम मंदिर का भूमि पूजन हुआ, तभी से हमारे ग्राम में भी राम मंदिर के निर्माण की आधारशिला रखी गई थी। साथ ही कहा गया था कि जब भी अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन होगा, तभी 7 ग्राम लेपा में भी राम मंदिर का उद्घाटन किया जाएगा। अयोध्या में 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा के साथ राम मंदिर का उद्घाटन होने जा रहा है, इसीलिए हम ग्राम वासियों ने भी यह निर्णय लिया है कि 22 जनवरी को ग्राम लेपा में भी प्राण प्रतिष्ठा के साथ राम मंदिर का उद्घाटन किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, खरगोन। भैया, 22 तारीख को भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, किस तरीके से आपने ये मंदिर का निर्माण करा है, क्या उद्देश्य को लेकर 22 तारीख को? भैया, आप श्री राम मंदिर निर्माण अयोध्या धाम बैरागढ़ में खड़े हैं, और जिस प्रकार प्रभु श्री राम जी के लिए 5 अगस्त 2020 को अयोध्या में सरयू के तट पर भूमि पूजन हुआ था, उसी दिन श्री राम मंदिर निर्माण बैरागढ़ के लिए नर्मदा जी के तट पर हम लोगों ने भी प्राण अपने भूमि पूजन के लिए कार्यक्रम रखा था। तब से मंदिर का निर्माण चल रहा है, पूरा अयोध्या के साथ कार्यक्रम रखा है, मंदिर की तैयारियां और बाकी जो मंदिर का निर्माण अयोध्या की तर्ज पर छोटे स्तर पर हम लोगों ने किया है, और अभी प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम 22 जनवरी को अयोध्या के साथ करने जा रहे हैं। इसमें कितने पंडित आए हुए हैं जो हवन कर रहे हैं? और इसमें 11 पंडितों की मंडली है, और पूरी वेद विधि विधान से जैसे हिंदू धर्म संस्कृति के अनुसार हवन कुंड तैयार किया गया है, उसके हिसाब से पूरा कार्यक्रम सम्पन्न कराया जा रहा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम योगेश बामने, श्री राम मंदिर निर्माण समिति से। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।